देखो आजकल ना अक्षय कुमार का करियर मतलब बहुत ही डाउन चल रहा है। उनकी एक भी मूवीज नहीं चल रही है, सारी मूवीज फ्लॉप हो रही है। लिटरली कोई रीमेक होती है तो किसी की हाइप ही नहीं होती है। जहां अभी उनकी थोड़े दिन पहले मूवी आई थी सरफिरा, जो रीमेक थी, लेकिन मूवी अच्छी थी, उनका काम भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा था, लेकिन मूवी रीमेक की वजह से नहीं चल पाई क्योंकि ऑलरेडी उसके हिंदी डबिंग में अवेलेबल है, तो कोई क्यों ही देखेगा थिएटर में जाके। लेकिन उनकी न्यू मूवी का ट्रेलर आया है खेल खेल में, और लिटरली ट्रेलर देख के भाई मजा आया। मतलब उनका जो राजू मोड है, जो उनकी कॉमेडी वाला किरदार है, उनका जो कैरेक्टर है, लिटरली वो कमाल का है। मतलब वो जब भी कॉमेडी पे उतरते हैं ना, उनका काम कमाल का होता है। उनकी जैसी कॉमेडी मतलब कोई बीट नहीं कर सकता। मतलब लिटरली अगर तुम खेल खेल में जाके ट्रेलर देखोगे, उनका जो हेरा फेरी वाला जो राजू मोड है वो एक्टिव हो चुका है। मतलब उनका कमबैक पक्का है। मतलब उनका जो कॉमेडी वाला अवतार है फिर से हमें देखने मिलेगा खेल खेल में। देखो खेल खेल का ट्रेलर आ चुका है और उसके अंदर मतलब स्टोरी तो पूरी पता चल चुकी है। देखो इसके अंदर स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, स्टोरी पब्लिक के सामने खुलेआम रख दी कि स्टोरी क्या है। इसके अंदर जो मेन है उसकी कॉमेडी और ड्रामा ही है इसके अंदर। और लिटरली इस ट्रेलर के अंदर जो इसकी कॉमेडी है मतलब कमाल की है। लेकिन फिर ऐसा ना हो जो ट्रेलर के अंदर दिखाया बस उतना ही हो, तो फिर पोपट हो जाएगा। लेकिन लिटरली ट्रेलर कमाल का था। ट्रेलर के अंदर हमें देखने मिलता है कि 7 लोग हैं और सब लोग दोस्त है, कपल है। उसके अंदर हमें देखने मिलता है कि वो मतलब एक खेल खेलने वाले, जिसके अंदर उन लोग के सारे फोन मतलब टेबल पर रख दिए जाएंगे और सब पब्लिकली मतलब जो भी कॉल्स मैसेज आया वो सबके सामने पढ़ा जाएगा। मतलब सबके पोल खुलने वाले हैं। और खेल खेल में कपल के अंदर जो कलेस देखने मिलते हैं, लिटरली वो मजा देगा तुम लोग को। उसके अंदर जो ह्यूमर्स और कॉमेडी भी देखने मिलती है वो कमाल की। और भाई यार अक्षय कुमार की कॉमेडी लिटरली उनके जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। लिटरली जो वो कॉमेडी करने में उतरते मजा ही आ जाता है। देखो ये कोई वन मैन शो नहीं होने वाला है। मतलब अक्षय कुमार के अलावा बहुत सारे एक्टर है, जैसे तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विर्क। भाई एमी विर्क की तो रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी बैड न्यूज, जिसका मैंने रिव्यू नहीं दिया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन वो मैंने मूवी देखी। वो भी उनकी कॉमेडी भी अच्छी खासी, उनकी कॉमेडी भी मतलब कमाल की है। इसके अलावा वाणी कपूर, प्रज्ञा जायसवाल और आदित्य सील देखने मिलते हैं मेन लीड के अंदर, और सबकी एक्टिंग और कॉमेडी मतलब कमाल की लग रही है इसके अंदर। देखो मूवी मेरे को अच्छी लग रही है, ट्रेलर से तो अंदाजा लग रहा है कि मूवी बहुत ही अच्छी आने वाली है। लेकिन ये 15 अगस्त को आने वाली है, और 15 अगस्त को स्त्री भी आने वाली है, स्त्री 2 मूवी आने वाली है। इसके अलावा जॉन अब्राहम और सरवरी वाघ की बेदा, मतलब 3 मूवी एक दिन में। मतलब यार क्लेश होने वाला है। और खेल खेल का ट्रेलर तुम ध्यान से देखोगे तो ट्रेलर के एंड में कैसे हमें देखने मिलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों देखे, मतलब उन लोग कहना क्या चाहते हैं लिटरली। मतलब उसी दिन स्त्री भी आने वाली है, तो उन लोग किस तरह मतलब मजे ले रहे हैं तुम देख सकते हो। मतलब स्त्री भी देखो और ये भी देखो, तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि स्त्री भी देखो और ये भी देखो। देखो अभी इन लोग ने जानबूझ के किया है कि मतलब मजे ले रहे हैं, क्या पता, क्योंकि भाई ये मूवी भी वैसी है स्त्री और पुरुषों वाली, और स्त्री 2 भी आने वाली है उसी दिन। क्योंकि भाई देखो अक्षय कुमार की 2 मूवी एक साथ क्लेश होने वाली है, क्योंकि वो स्त्री 2 भी उनका केमियो देखने मिलने वाला है हमें, और ये भी मूवी में है वो, तो लिटरली मतलब अच्छा खासा क्लेश होगा। देखो तीनों मूवी जो आने वाली है लिटरली मतलब मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ पहली कौन सी देखो, क्योंकि सबका ट्रेलर एक नंबर है। जहां वेदा का ट्रेलर भी मतलब कमाल का है भाई। देखो इनकी डेट आगे पीछे करनी चाहिए थी भाई, क्योंकि भाई सारी मूवीज अच्छी है, मतलब कलेक्शन में भी अच्छा खासा मतलब इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल भाई खेल खेल का जो ट्रेलर था वो मतलब कमाल का था, मुझे देखने में अच्छा लगा, मजा आया। लिटरली कॉमेडी अच्छी खासी है इसके अंदर देखने मिलती है। और वैसे बता दूं ये मूवी भी रीमेक है। अक्षय कुमार यार मतलब रीमेक करने के मामले में मतलब अक्षय कुमार यार कितने रीमेक करूंगा, लेकिन बता दूं ये रीमेक है, लेकिन साउथ की कोई मूवी से नहीं है, कोई बाहर की मूवी का रीमेक है। परफेक्ट स्ट्रेंजर्स करके है जो 2016 में आई थी, उसका रीमेक होने वाली है। देखो तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई। मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा। अक्षय कुमार का कमबैक हो जाए तो मजा आ जाएगा, और उनकी कॉमेडी भाई लिटरली कमाल की थी। अगर ट्रेलर नहीं देखा तो जाके ट्रेलर फटाफट देखो, मजा आएगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।